नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया। लखनऊ में गन्ना विकास एवं चीनी मिल उद्योग विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुरेश राणा ने जनता दरबार में शिरकत की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुरेश राणा ने बढ़ते अपराध पर चिंता जाहिर की और कहा कि जल्द ही इन सब पर रोक लगेगी। साथ ही उन्होंने किसानों के लिए भी अपनी बात रखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कल ही गन्ने के आंकड़े आए हैं और 22,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का बकाया भुगतान हुआ है और 22,000 करोड़ रुपए का भुगतान मई माह में हो जाना, ये अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ऐतिहासिक कार्यशैली का परिणाम है। मात्र 3,000 करोड़ रुपया बकाया, उसकी भी व्यवस्था हम लोग बहुत शीघ्रता से कर रहे हैं। और ये भी बात मैं बहुत ही आपको स्वाभिमान के साथ बता रहा हूँ कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में टॉप पे आ गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, ये जिले 1, 2, 3 नंबर पर हैं। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ भारत का 72 टन हेक्टेयर का एवरेज है, वहाँ 84 हेक्टेयर पर हम लोग पहुँच रहे हैं। तो तमाम विषयों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक शैली है काम करने की, उसे ही देख करके उत्तर प्रदेश में इस वर्ष 2,00,000 हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर भी सुरेश राणा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वहां पर नए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सबका है और इसे बनाने के लिए सबको प्रयास करने चाहिए। कि अभी मेरठ के अंदर स्पोर्ट्स क्लस्टर के रूप में, शामली सहारनपुर में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, अभी साहिबाबाद में UPSIDC लगातार इंडस्ट्रियल एरिया विस्तारीकरण के रूप में, नई औद्योगिक नीति के रूप में, चाहे वो नोएडा हो चाहे ग्रेटर नोएडा हो, ये सरकार, बहुत सारे लोगों को यही तो परेशानी है कि सरकार ने बहुत तेजी के साथ विकास की गति को बढ़ाया है और पिछले 5 वर्षों में जितना औद्योगिक निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नई औद्योगिक नीति की बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रियों का समूह गठित किया है, हम नई औद्योगिक नीति लेकर के आ रहे हैं। 5 वर्ष के औद्योगिक निवेश से ज्यादा 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश हो रहा है। सुरेश राणा ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के विकास के वादे झूठे थे और पूर्व सरकार ने आधे अधूरे कामों का शिलान्यास कर दिया, जिन्हें जल्द ही ठीक किया जाएगा। मैं पूर्ववर्ती सरकार के विकास की केवल इतनी बात कह सकता हूं कि जितनी भी योजनाएं हैं उसमें 70% योजनाएं ऐसी हैं जिनका 10% भी काम पूरा नहीं हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनका उद्घाटन किया है, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट का मामला हो, और बहुत सारी योजनाएं तो ऐसी जो 27 करोड़ से शुरू हुई थी एक योजना और 2700 करोड़ तक चली गई लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। 650 करोड़ से योजना शुरू हुई और 2500 करोड़ तक चली गई लेकिन योजना पूरी नहीं हुई। विकास की केवल बात की है और एक हाईवे का बहुत ढिंढोरा पीटा है कि हाईवे हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाया है, उसकी भी हालत ये है कि लगातार एक्सीडेंट के लोग शिकार रहते हैं। कारण क्या है कि वो अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन जल्दबाजी में उसका उद्घाटन कर दिया गया। सहारनपुर और अपराध का बढ़ता ग्राफ प्रदेश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही सब ठीक कर देंगे। देखना ये होगा कि सुलगता प्रदेश कब शांत होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब तक इन सारी घटनाओं पर विराम लगा सकेंगे। लखनऊ से एक्सपोज इंडिया के लिए आशीष विक्रम की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।